हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। आज हम बात करने वाले पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड के बारे में, ये कहां तक जा सकता है एंड क्या आपको अवे एंट्री करनी चाहिए या फिर आपको क्विकली सेल करके निकल लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट के। हम फ्रेंड्स देखते हैं इसके सिक्स मंथ के चार्ट पैटर्न देखें ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अप्रैल से लेकर के मई के बीच में 150% के आसपास जो है ये जंप कर लेता है एंड बहुत ही शार्प जंप करता है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो फ्रेंड्स उसके बाद ही 40-50% के आसपास जो है फ्रेंड्स अराउंड 40% के आसपास ये क्रैश भी होता है, ठीक है, 45% के आसपास। एंड उसके बाद जब ये क्रैश होता है एंड उसके बाद जब ये एक अपर सर्किट लगता है तो यहाँ पर बहुत ही रेयर पेनी स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिलता है कि वो इतना ऊपर आए। सो अगर आप देखें फ्रेंड्स तो यहाँ से जो है अब तक ये स्टॉक 77% तक ऊपर जा चुका है, लेकिन ये एक डेंजर जोन एंड डेंजर मोमेंट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें सिक्स मंथ के चार्ट पैटर्न में तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट अपने 40 रुपीज़ के आसपास चला गया था। एंड एज पर माई रिसर्च मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये स्टॉक 40 क्रॉस करता है तो शायद पता नहीं और कितना ही ऊपर जाएगा, शायद ये 80 रुपये तक या फिर 50-60 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ये है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो 60-70% चांसेस ये है कि ये 40 रुपीज़ टच करने से पहले या फिर जस्ट 40 रुपीज़ टच करेगा एंड उसके बाद जो यहाँ पर हमें क्रैश आई मीन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत हाई लेवल का डाउनफॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही हाई लेवल है, अराउंड 60-70% का जो है गिरावट मिल सकता है आपको। अगर हम इसकी 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न देखें तो आपको मालूम पड़ेगा स्टॉक पहले से ही बहुत गिर चुका है। 2020 में ये स्टॉक अराउंड कितने रुपये के आसपास ट्रेड करता था, 150 के आसपास, एंड जब क्रैश हुआ तो 94% के आसपास जो फ्रेंड्स ये क्रैश हो गया। एंड उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जंप आया है, बट जो पेनी स्टॉक्स पहले से इतना हाई में था एंड वापस गिर चुका है, वापस इस लेवल पर तो आएगा ये इम्पॉसिबल है। एंड अभी जो आप देख रहे हो सिक्स मंथ के चार्ट पैटर्न में, अगर ये 40.20 क्रॉस कर लिया तो चांसेस है कि और थोड़े लंबे समय के लिए अगर होल्ड करते हो तो शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बता दूं कि चांसेस है कि आज इवनिंग तक या तो इसमें लोअर सर्किट लगे या फिर कल आपको दिन भर में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है। सो इन 2 दिनों में जो है आपको यहाँ पर पंथ इन्फिनिटी में गेम चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। अब हम इसके कुछ रिसर्च भी कर लेते हैं, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कुछ पॉइंट्स को भी हम नोटिस कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि क्यों यहाँ पर आपको गेम होते हुए देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हैं पंप एंड डंप का गेम। मार्केट कैप की अगर बात करें तो जस्ट 47 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, और इससे भी कम था बट फिलहाल जो है ये मार्केट कैप बढ़ चुका है। PE रेशियो की अगर बात करें तो 1296 PE रेशियो इस कंपनी का फिलहाल है, बहुत ही हाई PE रेशियो है। अगर आप इंडस्ट्री PE देखेंगे किसी भी स्टॉक का तो एवरेज मान के चलो 40-50 या फिर हार्डली चलो 100 तक भी होगा, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो 1296 अराउंड 1300 PE पे जो फ्रेंड्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हायर प्राइस में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लोवेस्ट एंड हाइस्ट अगर देखें तो लोवेस्ट में फ्रेंड्स ये 7.40 रुपीज़ था एंड हाईएस्ट में ये 42.20। तो मैं आपको मेरे तरफ से गारंटी नहीं बट ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि 42 रुपीज़ टच करे उससे पहले आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, एंड अगर गिरा तो 7 रुपये तक जा सकता है एंड बीच बीच में आपको ब्रेक मिलेगा जब ये 20 रुपये के आसपास जाएगा, फिर जब 10 रुपये के आसपास जाएगा तब, इससे पहले आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यही आपको लेटेस्ट अपडेट देना था। अगर आप इसे होल्ड करें तो समय रहते निकल जाइए, अदरवाइज अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस रिसर्च को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना पंथ इन्फिनिटी का तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।